अभी आपने देखा है कि जो 3 बिल आए हुए हैं उनका किसान विरोध कर रहे हैं, एक तरह से उन्हें तसल्ली देने के लिए, एक तरह से उन्हें शांत करने के लिए। हाल ही में आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की जो मंत्रिमंडलीय समिति है, इसने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य होते हैं रबी फसल के, उसे उसकी घोषणा कर दी है, जिससे क्या होगा कि एक किसानों को शांति मिल जाए और इनका जो आंदोलन विरोध कर रहे हैं प्रदर्शन, ये एक तरह से क्या हो, शांत पड़ जाए। ठीक है, देख लेते हैं आखिर क्या है, कितना निर्धारित किया गया है, कितना किस किस फसल पर कितना किया गया है, पूरा देख लेते हैं। और याद रखिए विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है, इन तीनों बिलों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में बेची जाने वाली 6 रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। एक बात आप लोगों को याद होगी शायद कि हमारे प्रधानमंत्री साहब ने कहा था कि 2022 तक किसानों की आय कितनी, दोगुनी करने की। अब आप जानते हैं कि 2022 के कुछ ज्यादा ही दिन नहीं रह गए हैं, समझ रहे हैं, तो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा कि क्या हो रहा है, क्या हम लोग उस लक्ष्य को हासिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ज्यादा टाइम नहीं है, बहुत जल्दी ही आने वाला है। ठीक है, केंद्र सरकार के अनुमान अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP में यह वृद्धि स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप है। अभी तक आप देखेंगे, अभी तक स्वामीनाथन आयोग जो बना था उसने जो अनुशंसाएं यानी कि जो एक तरह से आप कहिए कि निर्धारित किए थे या जो सलाह दी थी, उसे अभी तक नहीं माना गया था, लेकिन अब मानने की बात की जा रही है। गेहूं वर्ष 2020-21 के लिए, जो वित्तीय वर्ष 2020-21 है, इसमें गेहूं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो 1975 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जो वर्ष 2019-20 में कितना था, 1925 रुपए प्रति क्विंटल से 2.6 यानी कि 2.6% अधिक है। एक बात और याद रखिए आप लोग हमेशा, ये आपको MSP यानी कि मिनिमम जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, ये तभी मिलता है जब आप किसी सरकारी कोटे में आपकी अपनी फसल बेचते हैं। ये आपके जो बिचौली होते हैं या जो आप देखते हैं कि व्यापारी होते हैं, उन्हें देते समय ये बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसका लाभ तब नहीं मिलता है, तो याद रखिए। इसे कई बार पूछ लेता है, क्या होता है कई बार हम लोग सोचते हैं कि MSP कैसे हमें मिलेगा, तो आप जब सोसाइटी में या कोटा रहते हैं ना, सरकार खरीदती है उसी पर मिलता है। ठीक है, गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार द्वारा की गई वृद्धि बीते 11 वर्ष में सबसे कम है। अब आपको लगता होगा कि बढ़ोतरी तो हो रही है, कैसी बढ़ोतरी हो रही है, तो यानी कि कहने का सीधा मतलब है कि जितनी वृद्धि होती थी पहले, जैसे आप सोचिए कि पिछले साल मैंने 20 रुपये बढ़ोतरी कर दी और इस साल 10 रुपये बढ़ोतरी की, तो बढ़ोतरी तो की है लेकिन जो दर है इसकी वो सबसे कम है। ठीक है, 11 वर्ष में सबसे कम है, इस बात को आप लोग याद रखिए। फिर बात करें मसूर की अगर हम लोग, तो सरकार ने सबसे अधिक बढ़ोतरी मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में की है। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 5100 यानी कि 5100 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है, जो वित्तीय वर्ष 2019-20 में की अपेक्षा 6.25 यानी कि 6.25% अथवा 300 रुपये अधिक हुआ है। वित्तीय वर्ष मसूर के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 325 रुपये प्रति क्विंटल और 7.6% की बढ़ोतरी की गई थी, तो पिछली पिछली दर से इस बार कम है। ठीक है, ये मत कहिए कि देखिए बढ़ोतरी तो हुई है, पैसे में बढ़ोतरी हुई, लेकिन आप अगर प्रतिशत में देखेंगे तो पिछली बार कितनी थी, 7.26, और इस बार है आपकी 6.25। ठीक है, चना, अब चने की बात करें हम लोग, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मैं बीते वर्ष की तुलना में 225 रुपये अथवा 4.62% की बढ़ोतरी की गई है। इसका मूल्य 5100 यानी कि 5100 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गया है। वर्ष 2019-20 में अगर बात करें हम लोग पिछले साल, तो चने की न्यूनतम समर्थन मूल्य में 255 रुपये प्रति क्विंटल यानी कि 5.52% की वृद्धि की गई थी, तो इस बार देखिए सभी में आप देखेंगे लगभग आपकी क्या किया गया है, प्रतिशत में हमेशा मतलब आप दर में हमेशा क्या किया गया है, कमी रही है, बढ़ोतरी तो हुई है लेकिन जिस दर से होनी चाहिए थी उस दर से बढ़ोतरी नहीं देखी जा रही है। ठीक है,
और एक बात और आप लोग हमेशा याद रखिए, ये क्या होता है कि फसल बोने से पहले कर दिया जाता है इसका तय, समझ रहे हैं कि ये बढ़ोतरी नहीं होगी। अब फसल के आपके देखिए बढ़ो, फसल ज्यादा उत्पादन हो रहा है, कम उत्पादन हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। आपको अगर चने के लिए 5100 रख दिया गया है तो 5100 रहेंगे, 5100, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप देखते हैं कि जब आलू, जैसे आलू को ले लीजिए आप लोग, या चलिए गेहूं को ले लीजिए, आप लोग देखते थे कि जब इस तरह की न्यूनतम समर्थन प्रणाली लागू नहीं थी, या आप देखते हैं कि बाजार में जब गेहूं ज्यादा उत्पादन हो जाए खेतों में तो उसकी क्या होती है, कीमत घट जाती है, और जब आप देखते हैं कम गेहूं उत्पादन हो तो उस साल कीमत बढ़ जाती है। तो इसका इस तरह से बढ़ने गिरने से कोई मतलब नहीं है, आपको निर्धारित मूल्य दिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपको जो आपके व्यापारी रहते हैं वो आपका गेहूं महंगे खरीद रहे हैं दर पर, तो आप उन्हें बेच सकते हैं, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं है कि सरकार को ही बेचना है। और आपको लगता है कि व्यापारी आपका गेहूं सस्ते में खरीद रहे हैं, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, तब आप लोग सरकार को दे सकते हैं इसी रेट पर, ठीक है। अगर सरसों की बात करें हम लोग, तो इस बार सरसों का न्यूनतम समर्थन मूल्य 4650 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया, जो कि वर्ष 2019-20 की तुलना में 225 रुपये है, या फिर 5.08 प्रतिशत अधिक है, ठीक है। प्रतिशत के लिहाज से सरसों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि बीते वर्ष की तुलना में 5.36% अधिक है, यानी कि कहने का मतलब है कि आप समझ रहे हैं कि पिछले साल से इस बार सरसों में बढ़ोतरी देखी। कुसुम, कुसुम का न्यूनतम समर्थन मूल्य 112 रुपये अथवा 2.15, यानी कि 2.15% बढ़ाकर 5327 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि पिछले वर्ष इसमें 270 रुपये अथवा 5.46% की वृद्धि की गई है। जौ की बात करें तो 2020-21 के लिए जो जौ के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 75 रुपये, यानी कि 4.92% वृद्धि कर इसे 1600 रुपये निर्धारित किया गया है, जो बीते वर्ष 1525 रुपये प्रति क्विंटल था, यानी कि पिछले साल ही 1525 था, इस बार 1600 है, ठीक है। स्वामीनाथन, आप लोग इसे भी सुनते रहते हैं हमेशा, स्वामीनाथन आयोग, 18 नवंबर 2004 को भारत सरकार ने एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन किया था, जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से आप लोग जानते हैं। आयोग के मुख्य उद्देश्य कृषि प्रणाली को स्थिरता प्रदान करने हेतु एक व्यवस्था का निर्माण करना और कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक और लागत प्रतिस्पर्धी बनाना था, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या, आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, समझ रहे हैं। अभी आप जान रहे हैं कि कोरोना ने सभी क्षेत्रों को प्रभावित किया है, लेकिन अगर एक तरह से आप कहिए कि 23-24% हमारी जीडीपी गिरी है विकास दर, समझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था हमारी। अगर आप सोचिए एक तरह से जो लाज बचाई है या आपका सम्मान बचाया है तो किसने, कृषि ने, कृषि में कोई कमी नहीं देखी गई, वो अपनी पोजीशन ठीक रही। एक तरह से आप कह सकते हैं कि सभी क्षेत्रों ने आपकी लाज मतलब डुबा दी थी, लेकिन किसान भाई थे आपके जिन्होंने अपनी लाज बचा ली है। और वैसे भी आप जानिए कि एक किसान बहुत मेहनत करता है। तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें क्या थी आखिर? स्वामीनाथन आयोग अथवा राष्ट्रीय कृषक आयोग द्वारा प्रस्तुत सिफारिशों के अंतर्गत इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि छोटे किसानों को प्राप्त होने वाले लाभ तथा उसकी उत्पादन क्षमता के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गणना की जानी चाहिए। आयोग ने अपनी सिफारिशों में किसानों को फसल लागत मूल्य से 50% अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की बात भी कही थी, यानी कि जितना उनका खर्च आता है उससे 50% अधिक। किसानों हेतु लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उन्हें अनुबंध कृषि की ओर प्रोत्साहित करने की भी सिफारिश की गई थी। ये सभी आपके याद रखिए स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें थी। अगर महत्व की बात करें हम लोग, तो सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आ रहा है आया जब सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों को लेकर किसानों द्वारा काफी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसानों का मत है कि सरकार द्वारा किए जा रहे नए कृषि विपणन सुधारों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी और सार्वजनिक खरीद पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार सरकार अपने इस निर्णय से किसानों के मध्य यह संकेत देना चाहती है कि सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयकों से न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी और सार्वजनिक खरीद पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि इस विधेयक में बार बार बोल रहा हूं कि किसानों का भरोसा ले लेना चाहिए था हमें,
आपका सरकार का देखिए, दोनों जगह आप देखेंगे लोकसभा राज्यसभा में लगभग आपका बहुमत है आपके पास, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता है कि आप कोई भी बिल लाइए और बिना किसी की सलाह लेके पास करवा दीजिए। क्योंकि अगर आप किसानों को भरोसे में ले लेते हैं, कुछ भी फैसला करिए हम लोगों को मंजूर रहता है। 370 में आप लोगों ने देखा तो था, तो आपने देखा है कि हम पूरा देश सभी ने साथ दिया, सभी आपके पक्ष में खड़े रहे। तो इस पर एक पूरी बहस होनी चाहिए, किसान संगठन है जो बड़े बड़े, उन्हें भी भरोसे में लेकर उन्हें भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि हम लोकतंत्र है हमारे देश में। तो इसलिए आप देख रहे हैं कि कई जगह जल भी रही है, शहर भी जल रहे हैं, कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और याद रखिए, अभी आप देख रहे हैं छात्र भी, एक तरह से हमारा युवा जिसे आप लोग भविष्य कहते हैं, वो भी सड़कों पर उतरा हुआ है, किसान भी सड़कों पर उतरा हुआ है। तो इससे बुरी मुझे नहीं लगता है कि कोई स्थिति हो सकती है। तो सरकार को झांकना चाहिए, और प्रधानमंत्री साहब समझ रहे हैं, एक मतलब साफ सुथरी छवि है उनकी, तो उन्हें इस बात की सोचना चाहिए। एक समय आप लोग देखते थे कि उनकी मन की बात को आप लोग बड़े अच्छे ध्यान से सुनते थे, उनकी बातों में, उनकी मन की बातों में वो मुख्य आधार हुआ करते थे एक तरह से, जो हमारे देश को एक महाशक्ति बनाने में, पावरफुल बनाने में योगदान दे सकते होंगे। लेकिन आज की मन की बात को देखिए आप लोग, कोई मतलब आप खुद देखेंगे कि मतलब एक मजाक मजाक टाइप का लगता है। एक बात तो मुझे समझ में आ चुकी है कि आज अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मुझे लगता है कि आपका दिमाग कुछ ज्यादा चलेगा। आपको कल पावर आपको मिलने के बाद, मुझे लगता है कि आदमी पावर के आने के बाद बहुत मतलब हद तक क्या होता है, उसका दिमाग मुझे लगता है कि हर क्षेत्र में चलने बंद हो जाता है। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को हम लोगों ने शुरू में देखा है किस तरह से सभी देशों से, हमारे संबंधों की बात कर लीजिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब पाकिस्तान से भी संबंध बनाने की बात करने लगे थे। आज हम देखें तो आज आपके संबंधों को देखिए तो लगभग आपके पड़ोसी हर देश से हमसे दूर होते जा रहे हैं, किसी से आप नहीं देख सकते हैं कि अच्छे खासे हमारे संबंध रहे हो। जो नेपाल हमारी ऊपर पूरी तरह से निर्भर है, वो भी आज हमें आंखें दिखाने लगा है। तो खैर छोड़िए, नेताओं की अलग बात है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात अगर हम करें एमएसपी की, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक प्रकार का बाजार हस्तक्षेप होता है, जिसमें सरकार किसानों को एक तरह से मूल्य सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास करती है कि आपकी फसल कितनी भी हो, हम आपको इतना निर्धारित देंगे। ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार किसानों द्वारा बेचे जाने वाले अनाज को खरीदने की गारंटी देती है। एक बात और आपको बता दूं कि आज भी आप देखेंगे कि अधिक लोग बिचौलियों को देना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें नगद पैसे की जरूरत होती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसान जब बुआई करते हैं तो उन्हें ऋण की जरूरत होती है, तो वो ऋण लेते हैं अपने, मतलब आप सोचिए कि व्यापारियों से या सेठ से, तो उसी को अपनी फसल देते हैं। तो समझ रहे हैं, आधे से अधिक लोग अभी भी किसान अपने बिचौलियों को देते हैं, वो इस तरह की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है इसका फायदा नहीं उठा पाते हैं। तो सरकार को मुझे लगता है कि इसमें भी सुधार करना चाहिए। ठीक है, जब बाजार में कृषि उत्पादन का मूल्य गिर रहा हो तब सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि उत्पादों को क्रय कर उनके हितों की रक्षा करती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा फसल बोने से पहले करती है। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सर्वप्रथम 1960 के दशक में की थी। कब? 1960 में। इस न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संस्तुति पर वर्ष में दो बार रबी और खरीफ के मौसम में की जाती है। ठीक है, पर अगर बात करें कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की, जिसे आप CACP कहते हैं, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, जो जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी 1965 में। इस आयोग की स्थापना कृषि उत्पादों की संस्तुति संतुलित एवं एकीकृत मूल्य संरचना तैयार करने के उद्देश्य से की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य आयोग भारत सरकार को रबी और खरीफ के मौसम में कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। किसे? भारत सरकार को। ठीक है, अब बात कर लेते हैं महामारी और भारतीय कृषि के बारे में। तो वैश्विक कोरोना वायरस महामारी उसके कारण लागू किए गए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के बावजूद सरकार द्वारा समय पर किए गए हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप वर्ष 2020-21 के लिए लगभग 39 मिलियन टन गेहूं की सर्वकालिक रिकॉर्ड खरीद हुई है। आप याद रखिए, सबसे ज्यादा हमें फायदा हुआ है, फसल मतलब अच्छी उपज हुई है। स्वास्थ्य महामारी की वर्तमान स्थिति में किसानों के समक्ष मौजूद समस्याओं का निराकरण करने की दिशा में सरकार द्वारा
समन्वित प्रयास किए जा रहे हैं। भारतीय कृषि क्षेत्र में सुधार हेतु सरकार द्वारा किए गए कुछ हालिया प्रयासों की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में बढ़ोतरी करने के साथ साथ खरीद प्रक्रिया को भी दुरुस्त किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत से अब तक 10 करोड़ किसानों को लाभ प्राप्त हुआ है। इस योजना के तहत अब तक 93,000 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। पिछले 6 माह में 1.25 करोड़ नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। महामारी के दौरान ई नाम मार्केट की संख्या 585 से बढ़कर 1,000 हो गई है। गौरतलब है कि बीते वर्ष में ई प्लेटफॉर्म पर लगभग 35,000 करोड़ रुपए का व्यापार हुआ था और आगामी 5 वर्षों के दौरान 10,000 नए किसान उत्पादक संगठन के गठन के लिए 6,850 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई गई। फल सब्जियों मछली मांस दूध जैसी जल्द खराब होने वाली वस्तुओं के परिवहन को आसान बनाने के लिए किसान रेल की शुरुआत भी की गई। किसान रेल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा, तो ठीक है, ये अच्छी बात है। आप देख रहे हैं 6,000 रुपये भी आप किसानों को एक प्रधानमंत्री सम्मान निधि या योजना, ये अच्छी पहल है। इस तरह के देखिए किसानों को आसानी से ऋण मिलने लगे तो हमारे किसान बहुत आगे बढ़ सकते हैं। और आप समझिए कि अभी आने वाले दिनों में आपने देखा है पिछले कुछ दिनों से कि किसान सुसाइड कर रहे हैं, मतलब आत्महत्या कर रहे हैं। किसान का आत्महत्या करना हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था, आप सोचिए कि किसानों की बहुत बड़ी देन है एक तरह से, तो हमारे लिए हर समाज के हर तबके के लिए एक चिंता का कारण भी है। ठीक है, तो ये देख लेना चाहिए और सुधार होते रहना चाहिए। तो ये थे आपके जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, इस पर अब आप अपनी जो भी अब बुवाई होगी, गेहूं हो, चना हो, सरसों हो, इसे आप देखकर बो सकते हैं जो भी फसल आप चाहें, जो ज्यादा हो आपके यहाँ, और आप सरकार को बेच सकते हैं। ठीक है, इस तरह की जो भी क्लास है हुआ करें, आप लोग पहुंचा दिया करेगा किसानों तक, क्या होता है उन्हें भी मालूम चल जाता है। ठीक।